हेलो एवरीवन, भावना की रसोई में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ ब्रेड की बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब मिठाई, जो बच्चों को बहुत पसंद आने वाली है। तो आप लोग भी अपने बच्चों के लिए ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स से बन के रेडी हो जाती है। तो मैंने सबसे पहले 20 रुपीज़ वाला जो ब्रेड का नॉर्मल पैकेट आता है ना, वो ले लिया है। इसके सारे ब्राउन पार्ट्स को निकाल के मैंने अलग कर दिया है। फिर मैंने जो बीच का सेंटर का पार्ट होता है ना, इसे इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में, चाहे आप हाथ से कट कर लीजिए या नाइफ़ से कर लीजिए, फिर इसे मैंने मिक्सी जार में लेके अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। बहुत ही जल्दी ये ग्राइंड हो जाता है मिक्सी जार में। देखिए, बिल्कुल गर्री के बुरादे जैसा हो गया है। अब मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है गैस पे। इसमें मैंने 1 कप मिल्क ऐड किया है और 1/3 कप मैंने इसमें शुगर ऐड की है। आपको जैसा मीठा पसंद हो आप वैसा ऐड कर सकते हैं मीठा। और इसके बाद जब दूध आधा रह जाए ना पकते पकते, तो इसके बाद हमें इसमें जो हमने ब्रेड की बुरादा बना के रखा है ना, उसे हमें थोड़ा थोड़ा करके इसमें मिक्स करना है। बहुत ही अच्छा डो लग जाता है और काफ़ी इसका जो टेक्सचर होता है ना, खाने में भी काफ़ी यम होता है। तो आप लोग बहुत ही ईजिली बना लेंगे इसे। फिर मैंने इसमें 1 टेबल स्पून से 1/2 टेबल स्पून घी डाल दिया है। घी डालने के बाद मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। और ये सारा प्रोसेस बहुत जल्दी जल्दी करना है, क्योंकि जब ये ठंडा होने लगेगा ना, तो थोड़ा सा टाइट होने लगेगा। तो इसलिए हमें थोड़ा इसके लड्डू या बर्फ़ी जो भी आपको बनाना हो, थोड़ा सा जल्दी बनाना है। तो इस तरीके से मैंने इसके गोल गोल लड्डू बना के रख दिए हैं। अब इन्हें हम रख देंगे ठंडा होने के लिए करीब 1/2 घंटे से 1 घंटे के लिए, कि ये बिल्कुल ठंडा हो जाए। और जब तक ठंडा हो रहा है ना लड्डू, तब तक मैं, ये मेरे पास बच्चों की ही चॉकलेट रखी हुई थी, तो मैंने इसको कटोरी में लेके गरम पानी में इस तरीके से रख दिया भगोने में मेल्ट होने के लिए। और इसे मेल्ट होने में तो बहुत टाइम लग जाता है, करीब 10 से 15 मिनट लग जाते हैं मेल्ट होने में। अब मैंने इसे मेल्ट कर लिया। अब जब तक ये जमे जमे ना, हमें फटाफट इन सारे लड्डुओं को इसमें इस तरीके से डिप करते रहना है और चारों तरफ से अच्छे से कोट कर लेना है। बस एक बात का आप हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी आपको कोटिंग के लिए अगर चॉकलेट यूज़ करनी है ना, 5 स्टार का यूज़ बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि ये हल्का सा स्टिकी होता है। तो देखिए किस तरीके से हो रहा है, बिल्कुल ड्राई नहीं होता है। तो आपको जब भी यूज़ करना हो तो अदर कोई भी चॉकलेट आप ले सकते हैं, लेकिन 5 स्टार का यूज़ बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि मैं कर चुकी हूँ तो इसलिए आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। खाने में बहुत अच्छे बने हुए थे, लेकिन प्रॉपर जैसे चॉकलेट हार्ड होती है ना, उतनी ज़्यादा ये हार्ड नहीं हो रहे थे, हल्के से सॉफ्ट ही थे। और इस तरीके से मैंने सारे जो लड्डू बनाए थे ना, उन्हें चॉकलेट में डिप कर दिया। फिर 1 घंटे मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था रेस्ट होने के लिए। तो ये काफ़ी अच्छे सेट हो गए थे। अब मैं आपको काट के दिखाऊंगी, काटने में भी काफ़ी स्मूथ थे। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही इजीली बन जाता है। और अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और जय माता दी।